क्या आपने अपने चैनल सब्सक्राइब किया? तो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए आपके अपने चैनल को। फिर गुल उठा वी वांट जस्टिस का नारा। आखिर सरकार जागी और रेपिस्ट की सजा तय हुई। सजाए मौत पर 12 साल की कम उम्र की बच्चियों के रेपिस्ट को ही यह सजा मिलेगी। मतलब अब सरकार रेपिस्ट का क्राइटेरिया तय करेगी। इसी बात और साथ ही असीफा को इंसाफ के लिए मुंबई में यूबिका फाउंडेशन की प्रेसिडेंट रुई कपूर और सेक्रेटरी नंदिता खान ने शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला, जिनमें बढ़ चढ़ कर महिलाओं और बच्चों ने भाग लिया और नारे लगाए। सरकार बोल रही है कि 12 साल की बच्ची का अगर आपने रेप किया तो आपकी सजा 20 साल होगी या ज्यादा से ज्यादा फांसी की सजा होगी। 16 साल की बच्ची का रेप करेंगे आप तो आपको 20 साल की सजा हो सकती है या उम्र कैद हो सकती है। और अगर उससे बड़ी किसी बच्ची का या किसी महिला का आपने बलात्कार किया तब फिर आपकी सजा 10 साल तक हो सकती है। आप क्या कर रहे हैं? आप उनको चॉइस दे रहे हैं क्या बलात्कारियों को? ये तो सरासर अन्याय है और हमारी बेइज्जती है और हमें ये बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। हमारी सरकार से एक ही डिमांड है कि अगर आपको सजा देनी है तो सजाए मौत, उसके उससे कम कोई सजा हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बलात्कारियों को एक ही सजा होनी चाहिए और वो है सजाए मौत। हम लोग यहाँ पर जमा इसलिए हुए हैं, आप देख सकते हैं यूबिका फाउंडेशन से हैं हम लोग। मैं यूबिका फाउंडेशन की सेक्रेटरी हूँ, नंदिता खान सोशल एक्टिविस्ट हूँ। हम लोग जो कल जो डिसीजन आया है, जो दिया हुआ डिसीजन, उससे हम लोग सहमत नहीं है। पहली बात तो जब रेप होता है, रेपिस्ट लोग जब करते हैं तब ये सोचते नहीं कि एज क्या है, या वो मासूम बच्चा है, यंग लड़की है या बुढ़ी औरत है। तो गवर्नमेंट को उनसे इतनी सहानुभूति क्यों है? क्यों ये सोचते हैं कि इनको चॉइसेस दे? हम लोग टैक्स पेयर से जीतते, हम लोग के टैक्स के पैसे उनको लाइफ सेंटेंस यानी कि जेल में बैठ के हम दाल रोटी हमारे पैसे दिखाएंगे। उनको जीने का ऑप्शन दे रहे हैं आप लोग। क्या उन लोगों ने जो औरत के साथ किया, जो बच्चे के साथ किया, उनको ये ऑप्शन दिया इज्जत से जीने का? उनको हक है उनका जीने का, वो उनसे छीन लिया। आप ये बोलते, आप अगर वो अरुणा शानबाग का केस देखोगे, वो बेचारी बिस्तर में पड़ी रही पूरी जिंदगी भर, जो रेपिस्ट था उसका, वो अपनी सजा करके बाहर आया, नॉर्मल जिंदगी जिया, वो वैसे ही बिस्तर में मर गई। ये किसी के बारे में ये गवर्नमेंट सोचती है ये चीज? जो जिसका जीने का हक छीन लेता है या तो सेक्सुअल मोलेस्ट भी करता है जब किसी बच्चे को, वो बच्चे का जिंदगी भर स्कार हो जाता है, वो जिंदगी भर वो बच्चा वो ट्रॉमा भूल नहीं पाता है, वो औरत भूल नहीं पाती है, ना नॉर्मल लाइफ जी पाती है। जो रेपिस्ट है अगर आप बोलते हो लाइफ सेंटेंस, वो उम्र कैद की सजा काट के बाहर निकल जाता है, अपने हिसाब से अपनी लाइफ जीता है और दूसरे की लाइफ खराब करने का वापस उसको ऑप्शन मिलता है। क्या गवर्नमेंट ने हम लोग लेडीज लोगों को एंटरटेनमेंट का सुविधा का ऑब्जेक्ट समझा है? तो ये गलत है, हम लोग ये चीज़ के एकदम खिलाफ है। अगर हम लोग को चाहते हैं तो रेपिस्ट के साथ ऑप्शन चॉइसेस ना दें। वो जो अगर एक ही सजा के काबिल है तो वो है मौत की सजा। खबर 24 की खास रिपोर्ट।